कलेजा कपाने वाली ये आवाज गोलियां दागती पुलिस जिंदगी बचाने के लिए दौड़ भाग खून के छींटे और जमीन पर गिरी लहू से लथपथ लाश ये दिल्ली के अंडरवर्ल्ड में गैंग वॉर की खौफनाक कहानी का सबसे नया अध्याय है जिसे खून की स्याही से भरी हुई अदालत में लिखा गया है। वो तारीख थी 24 सितंबर 2021 तब वक्त दोपहर के करीब 1:15 का हो रहा था। जगह थी रोहिणी कोर्ट नई दिल्ली। अदालत नंबर 207 जज साहब आसन पर बैठे थे। उनके सामने नायब कोर्ट थे, कोर्ट के स्टाफ बैठे थे, 5 से 6 वकील मौजूद थे। अदालत लगभग भरी हुई थी। एक अहम केस की सुनवाई होनी थी। 3 वर्दीधारी एक कैदी को लेकर आगे बढ़े, कोर्ट की चौखट पार की। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े भरी हुई अदालत गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठी। देश के टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में जबरदस्त गैंग वॉर सामने आई है। कोर्ट में गैंगस्टर को टारगेट करके बाकायदा हमला बोला गया, अंधाधुंध फायरिंग की गई। गैंग वॉर में जख्मी गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की मौत हो गई है। बीच अदालत में 35 से 40 राउंड फायरिंग हो, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। अदालत में पहले से मौजूद दिल्ली के स्पेशल सेल की टीम ने मोर्चा संभाला। बारूदों के बारिश में दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र गोगी मारा गया। गोगी पर गोलियां दागने वाले दोनों हमलावर भी गिर चुके थे। दिल्ली की कोर्ट में जो खूनी खेल खेला गया वो दो गैंग्स के बीच चल रही वर्षों से वर्चस्व की लड़ाई का खूनी नतीजा था। ये महीना साजिश के परिणाम का था। इस पूरे शूटआउट के 6 कैरेक्टर थे। पहला टिल्लू ताजपुरिया, दूसरा जितेंद्र गोगी, तीसरा उमंग, चौथा विनय, पांचवा राहुल और छठा जग्गा। इस शूटआउट की प्लानिंग 3 दिन पहले ही शुरू हो गई थी। यही वो मकान है जिसमें शूटआउट की पूरी साजिश रची गई थी। ये घर रोहिणी कोर्ट से 3 किलोमीटर दूर हैदरपुर में है। ये घर उमंग का है। जितेंद्र गोगी को गोली मारकर मौत के घाट उतार देने वाली खूनी स्क्रिप्ट टिल्लू ताजपुरिया लिखी थी। उसने अपने साथी उमंग को फोन कर सब कुछ समझा दिया, जिसके बाद उमंग ने विनय को इस खूनी खेल में शामिल किया। उमंग और विनय ने गोगी को गोली मारने का ठेका जग्गा को दिया, जिसके बाद दोनों शूटर 3 दिन पहले ही उमंग के घर पहुंच गए। प्लानिंग ऐसी थी जिससे रत्ती भर भी चूक ना रह जाए, लिहाजा 2 दिनों तक विनय, उमंग, मॉरिस और राहुल ने मिलकर रोहिणी कोर्ट की रेकी की। कोर्ट के एंट्री एग्जिट पॉइंट के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था का भी बारीकी से मुआयना किया। 24 सितंबर को जितेंद्र गोगी को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन इसके पहले उमंग, राहुल और जग्गा को लेकर रोहिणी सेक्टर 9 की एक मॉल में गया, जहां तीनों ने वकील की यूनिफॉर्म खरीदी। वहीं पर विनय मिला, फिर चारों लोग कार में बैठकर रोहिणी कोर्ट पहुंच गए। राहुल और जग्गा अदालत में जाकर बैठ गए, जबकि उमंग वकील की ड्रेस में कार के अंदर ही मौजूद रहा। विनय भी कार के अंदर ही बैठा हुआ था। बैकअप प्लान के साथ चारों कोर्ट पहुंचे थे। प्लानिंग ये थी कि अगर राहुल और जग्गा टारगेट को हिट करने में चूक गए तो उमंग खुद अटैक करेगा। अगर प्लान सक्सेस रहा तो दोनों शूटर गोगी को गोली मारने के बाद गेट नंबर 4 से बाहर निकलेंगे और सीधे कार में बैठकर फरार हो जाएंगे।
कोर्ट रूम में दोनों हमलावर वकील की यूनिफॉर्म में बैठे थे। एक हमलावर कटघरे के ठीक बाईं तरफ बैठा था, जबकि दूसरा हमलावर कटघरे के दाईं तरफ बैठा हुआ था। जैसे जितेंद्र गोगी आगे बढ़ा, कोर्ट स्टाफ और पीछे बैठे लोगों के बीच में आया, तभी ऑटोमेटिक पिस्टल से लैस दोनों बदमाशों ने दोनों तरफ से फायरिंग करना शुरू कर दिया। गैंगस्टर जितेंद्र गोगी के सीने में 3 गोलियां लगी, वो वहीं निढाल होकर गिर पड़ा। हथियारों से लैस दोनों हमलावरों पर पुलिस ने पलटवार किया। दोनों हत्यारे भी कोर्ट रूम में ढेर हो गए। अदालत के अंदर बैठे सारे लोग छिप गए, जो बाहर थे वो भाग गए। जब सब कुछ शांत हुआ, तब तक न्याय का मंदिर लहूलुहान हो चुका था। वकीलों की ड्रेस में दो लोग आके इनके अगेंस्ट में इनके ऊपर फायरिंग की, जिसकी वजह से जितेंद्र गोगी की डेथ हुई। जो दो क्रिमिनल्स वकील की यूनिफॉर्म में आए थे, उनको न्यूट्रलाइज किया, वो भी मारे गए। देश की व्यवस्था छलनी हो चुकी थी। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं जब रोहिणी कोर्ट में लाशें गिरी और दिल्ली में गैंग वॉर हुआ। इससे पहले 2017 में भी रोहिणी कोर्ट में फायरिंग हुई थी। उस साल 29 अप्रैल को गैंगस्टर पर ही गोली चलाई गई थी, जिसमें एक शख्स की मौत हुई थी। 2017 में फिर 7 महीने बाद 13 नवंबर को रोहिणी कोर्ट में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इससे 3 साल पहले 2014 में भी गैंग वॉर की वजह से रोहिणी कोर्ट में बदमाशों ने कैदी राजेश दामोदर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हर हत्या गैंग वॉर का नतीजा था। गैंग वॉर के लिए बदनाम दिल्ली के दामन पर एक और खूनी दाग लग गया है, वो भी संसद से सिर्फ 17 किलोमीटर दूर। इस दिल्ली में हाईटेक सिक्योरिटी है, जहां दो दो सरकारें बैठती हैं, जहां से देश चलता है। इसी दिल्ली में एक समानांतर हुकूमत भी चलती है और ये हुकूमत दर्जनों गैंग चलाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में करीब 30 गैंग एक्टिव हैं, जिसमें किशन पहलवान गैंग, नीरज भवानिया गैंग, जठेड़ी गैंग, ठेकेदार गैंग, ढिल्लू गैंग, टिल्लू गैंग, लाकरा बाबा गैंग, खत्री गैंग, फज्जा गैंग, छेनू गैंग, उदयवीर गैंग, गोगी गैंग, टिल्लू गैंग, मंजित महल गैंग और भाटी गैंग एक्टिव है। इन्हीं गैंग्स के गैंग वॉर का खूनी नतीजा है रोहिणी कोर्ट का, जिसके पटका था टिल्लू गैंग के सरदार टिल्लू ताजपुरिया उर्फ सुनील मान ने जेल के अंदर बैठकर लिखी थी। गोगी की हत्या के बाद जेल में भी गैंग वॉर की आशंका आकार लेने लगी, क्योंकि गोगी और टिल्लू गैंग के कई शार्प शूटर तिहाड़, मंडोली और रोहिणी जेल में बंद। जेल में गैंग वॉर के डर से ही मंडोली जेल में बंद संपत नेहरा को राजस्थान शिफ्ट कर दिया गया है। तिहाड़ की एक नंबर जेल में बंद लॉरेंस विश्नोई को राजस्थान की जेल में भेज दिया गया है। तिहाड़ जेल की तीनों जेलों में कुख्यात गैंगस्टर बंद हैं और ये गैंगस्टर जेल के अंदर गुटबंदी करते हैं। इसकी वजह ये है कि ये गैंगस्टर जेल के अंदर बैठकर ही अपना गैंग ऑपरेट करते हैं और दिल्ली के अंडरवर्ल्ड पर हुकूमत करते हैं। इनको जेल में जाने या आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जेल में रहते हुए इनके पास मोबाइल की फैसिलिटी हो जाती है कभी कभी। कई बार हमने जेल में मोबाइल पकड़े हैं और जो गैंगस्टर्स उस मोबाइल से अपने लोगों से बात करते रहते हैं, या और भी जिससे किसी से एक्सटॉर्शन करना है या किसी को धमकाना है या किसी को धमकी देनी है या और कोई किसी से पैसा ऐंठना है, उसको वहाँ जेल में बैठे बैठे भी काम करते हैं। और अपने जब लोग मिलने आते हैं तो जेल के ही कुछ कर्मचारियों की मिली भगत से कभी रोटी के अंदर पिस्तौल चली गई, पैसे चले गए, मोबाइल चला गया, पाँच पाँच फोन इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में इन गैंगस्टर के गुर्गे पसरे हुए हैं। अपने अपने इलाकों में इनकी समानांतर हुकूमत चलती है। दिल्ली किस तरह गैंग्स की गिरफ्त में फंसी हुई ये बताएंगे, मगर उससे पहले जानिए कि दिल्ली में कैसे पहला गैंग बना था, कैसे गैंगस्टर बढ़ते गए
कैसे हाई सिक्योरिटी के बीच दिल्ली में गैंगस्टर का अपना अंडरवर्ल्ड चल रहा है। इसकी शुरुआत होती है 1980 के दशक के सबसे अंत में, साल था 1989। एक अखाड़े में तीन पहलवान खड़े थे, अनूप, बलराज और किशन पहलवान। अनूप और बलराज मित्राओं गांव के रहने वाले थे, जबकि किशन पहलवान डिचाऊ कला का। इन तीनों की भिड़ंत होती थी अखाड़े में, लेकिन उसके बाद इन तीनों में दुश्मनी हो गई। 1992 में किशन पहलवान के चाचा की हत्या हो गई। इल्जाम लगा अनूप के भाई बलराज पर। यहीं से किशन पहलवान बनाम अनूप बलराज के बीच औपचारिक दुश्मनी शुरू हुई। दोनों गांव में बदले के लिए गैंग बना। देखिए बहुत 90s की बात मैं बता रहा हूँ, बिगनिंग 90s में ये गैंग सक्रिय था नजफगढ़ एरिया में। बलराज अनूप ये वहाँ के मथुराऊ गांव के रहने हैं, किशन पहलवान ये डिचाऊ गांव के हैं। इन दोनों के साथ और भी इनके गैंगस्टर शामिल थे, साथी थे। उस टाइम पे इन दोनों में काफ़ी राइवलरी रहती थी, एक प्लॉट के झगड़े को लेकर शुरुआत हुई थी। उसके बाद इनमें आपस में गैंगवार चली, एक दूसरे के लोगों को मारने लगे। धीरे धीरे किशन पहलवान का ओरा बढ़ता गया, उसके गैंग का आतंक बढ़ने लगा। खौफ का पर्याय बन चुके किशन पहलवान का भाई भरत सिंह विधायक बन गया। दूसरी तरफ अनूप और बलराज का अभामंडल भी बढ़ने लगा, लेकिन 1998 में बलराज की हत्या कर दी गई। 1999 में बलराज के भाई अनूप ने किशन पहलवान के छोटे भाई की हत्या कर दी। 2003 में अनूप को रोहतक कोर्ट में मार दिया गया। तब तक अनूप बलराज की छत्रछाया में मनजीत महल नाम का एक गैंगस्टर भी आतंक का नया नाम बन चुका था। सिर्फ मनजीत महल ही नहीं, 13 साल में कई नए गैंग बन चुके थे। नए गैंगों के बीच वर्चस्व की लड़ाई में लाशें गिरती गई। गैंग और गैंग वॉर में अहम मोड़ तब आया जब 2015 में गैंगस्टर किशन पहलवान के भाई और पूर्व विधायक भरत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये उसी खूनी खेल का नतीजा था जिसकी शुरुआत किशन पहलवान ने की थी। भरत सिंह की हत्या उसी के गाँव के रहने वाले उदयवीर उर्फ काले ने करवाई थी। उदयवीर उर्फ काले ने अपने भाई, पिता और चाचा की हत्या का बदला लेने के लिए इस साजिश को अंजाम दिया था। इस साजिश को अंजाम देने के लिए उसने अपने भतीजे हेमंत को भी शामिल किया था। उदयवीर के पिता, भाई और चाचा की हत्या का आरोप किशन पहलवान पर था। आरोप है कि 2002 में किशन पहलवान ने सोनीपत में तीनों की हत्या करवा दी। कहा जाता है कि जब उसके पिता का शव आया था, उसकी माँ को खबर लगी थी, तो माँ ने कहा था कि मैं जब तक ये इसका बदला नहीं लिया जाएगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। 2015 में भरत सिंह की हत्या के बाद भी खूनी खेल नहीं थमा, क्योंकि तब तक नए नए गैंगस्टर बनते गए। इस बीच गैंग और गैंग वॉर बढ़ता गया। किशन पहलवान और अनूप बलराज ने जो खूनी कहानी शुरू की थी, उसे मंजीत महाल, नीरज भवानिया, उदयवीर सिंह, हर्षम बाबा, कुलदीप फज्जा, छेनो, नासिर, सुरेंद्र खत्री, काला जठेड़ी, टिल्लू ताजपुरिया, जितेंद्र गोगी सरी के कई गैंगस्टर्स ने मुट्ठी भर गुर्गों को लेकर शिद्दत के साथ आगे बढ़ाया। इन गैंगस्टर और गैंग की अलग अलग कहानियां हैं। कोई बदला लेने के लिए जरायम की दुनिया में घुसा, तो कोई झपटमारी करते करते गैंगस्टर बन गया, किसी ने केबल का धंधा चलाते चलाते अपना गैंग बना लिया, तो कोई कॉलेज में पढ़ते पढ़ते अपनी ठसक दिखाने के लिए अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। 20 सड़कों पर खूनी खेल शुरू हो अपना दायरा बढ़ाने के लिए और लोगों को डराने के लिए। बीच सड़कों पर गोलियां दागी जाने लगी। कभी गैंगस्टर को ढेर किया गया तो कभी निशाने पर गुर्गे रहे। जिस गोगी का अंत कोर्ट के अंदर हुआ, उसके और टिल्लू गैंग के गुर्गों में भी कई खूनी झड़पें हो चुकी हैं। पहले भी दोनों ओर से 50 से ज्यादा लाशें गिर चुकी, बाकी गैंगस्टर के बीच भी कमोबेश ऐसा होता रहा है। आउटर दिल्ली से शुरू हुआ गैंग और गैंगस्टर का डर अंदर दाखिल हुआ। लुटियन जोन के अलावा कमोबेश समूची दिल्ली में इन गैंगस्टर्स की चलती है। कुछ गैंगस्टर से डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में डील करते हैं, कुछ लोग किसी के झगड़े निपटाने की बात करते हैं, कुछ लोग सिविल डिस्प्यूट्स ये करने के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं। तो इस प्रकार से गैंगस्टर्स अपना काम करते हैं। इन गैंगस्टर्स ने दिल्ली NCR में अपने गुर्गों का जाल बिछा रखा है।
कुछ गैंगस्टर पुलिस के डर से दबके हुए हैं। कुछ ऐसे गैंगस्टर हैं जो पुलिस के डर से अंडरग्राउंड होकर अपना गैंग चला रहे हैं, तो कुछ विदेश भाग चुके हैं जो वहीं से अपने गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए कई गैंगस्टरों को सलाखों के पीछे ठूस दिया है, लेकिन दिल्ली की आपराधिक दुनिया का सरदार बनने के लिए वो गैंगस्टर लगातार लोगों का खून बहा रहे हैं। काला जठेर, नीरज भवानी, टिल्लू ताशपुरिया, लॉरेंस विश्नोई, संपत नेहरा, नासिर, छेनू, ये ऐसे गैंगस्टर हैं जो जेल में बैठकर अपना गैंग धड़ल्ले से ऑपरेट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कपिल सांगवान, काला राणा, सूबे गुर्जर, पदन सिंह भद्दो सरीखे गैंगस्टर विदेशों में बैठकर दिल्ली के अपराध की दुनिया में अपना हुक्म चला रहे हैं। जबकि कुछ गैंगस्टर ऐसे भी हैं जो दिल्ली NCR में ही पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इन तमाम गैंगस्टर्स पर लाखों का इनाम घोषित है। खूनी प्रतिस्पर्धा में शामिल इन गैंगस्टर्स का एक ही लक्ष्य होता है, वसूली, कब्जा और अपना दबदबा। कुछ इसी दबदबे में राजनीति का रास्ता पकड़ लेते हैं और कुछ बेमौत मारे जाते हैं। गैंगवार इसीलिए होती है कि सुप्रीम मतलब उसको कोई डाउन करता है तो उसको फिर मारते हैं, या फिर कोई पुरानी दुश्मनी होती है, पुरानी रंजिश होती है, या कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होता है, या किसी डिस्प्यूट में अगर दोनों का क्लैश इंटरेस्ट क्लैश करता है तो वो इसलिए बन जाते हैं। तो कई वजह हैं जो गैंगस्टर्स आपस में एक दूसरे को मारकाट करते रहते। अभी आपने देखा होगा जो हमारे ओलंपियन सुशील पहलवान पकड़े गए थे, उनके साथ भी गैंग में सारे वही लड़के थे। जब आप सोचिए वो एक ओलंपियन जो दो बार पदक जीत चुका हो, वो गैंग चला रहा था, घर खाली करवाना, जमीन खाली करवाना, प्रॉपर्टी खाली कराना, फ्लैट खाली कराना, उसमें पैसे मिलते हैं। खौफ का पर्याय बन चुके नए गैंगस्टर अपना अपमंडल बढ़ाने के लिए अब सोशल मीडिया का सहारा ले चुके हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर डालते हैं, फिल्मी अंदाज में बंदूक और गोली का डर दिखाते हैं। दहशत फैलाने के लिए फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह इनके अकाउंट है, अपना वीडियो बनाकर डालते हैं। जेल में बंद नीरज भवानिया का ख्वाब दिल्ली का दाऊद इब्राहिम बनने का था। उसके खिलाफ हत्या, हत्या की कोशिश और उगाही सहित 40 से ज्यादा मामले चल रहे हैं। 5 सालों से जेल में बंद नीरज का नाम दिल्ली के अलावा हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के पुलिस रिकॉर्ड में बतौर वांटेड दर्ज है। कुल मिलाकर दिल्ली के तमाम गैंगस्टर इसी तरह सोशल मीडिया पर अपने आतंक की व्याख्या कर लोगों को डराते हैं, अपने खौफ के कारोबार को आकार देते हैं, वसूली और कब्जे के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। आपने कई बार देखा होगा सोशल मीडिया में भी गैंगस्टर्स जेल से कोर्ट में जब पेश आते हैं तो बड़े हाई फाई तरीके से अच्छे कपड़े पहनते हैं, सूटेड बूटेड रहते हैं, और वो अपने जेल में रहते हुए भी अपना वीडियो बनाकर फिर वो हाईलाइट करते हैं, सोशल मीडिया में छोड़ते हैं, ताकि लोगों को उनके बारे में पता चले कि कौन आदमी है और उसका नाम चमके। इसी में वर्चस्व के लिए टकराव होता है, एक दूसरे को निपटाने की फिराक में रहते हैं। पुलिस के तमाम कोशिशों के बावजूद ये मुट्ठी भर गैंगस्टर कानून व्यवस्था की छाती पर चढ़कर खुल्लम खुल्ला अपना गैंग चला रहे हैं। जेल में रहने के बावजूद 15 से 20 गुर्गों की बदौलत अपने अपने इलाकों में इनकी हुकूमत चल रही है। और ये जो गैंग वार है ये अभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि गोगी मारा गया है तो जो गोगी के समर्थक हैं वो सभी सारे अभी खुला घूम रहे हैं। तो आप ये तय मानिए कि टिल्लू गैंग के ऊपर उनका वार होगा, और क्राइम ब्रांच के और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के अधिकारी इस पे निगाह लगाए हुए हैं कि दिल्ली की सड़कों पे दोबारा खून। एक बार फिर जब गैंग के सरदार का एनकाउंटर हुआ तो गैंग वॉर की आशंका बढ़ गई, क्योंकि जितेंद्र गोगी का उत्तराधिकारी रोहित मुई को माना जा रहा है और आशंका है कि टिल्लू गैंग को निपटाने के लिए और अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए रोहित दूसरे गैंगस्टर के साथ मिलकर बड़े गैंग वॉर को अंजाम दे सकता है। यही वजह है कि पूरी दिल्ली अलर्ट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।